तो हेलो गाइस, ये इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज गोल गप्पे जब भी तुम खाने जाओ तो प्लीज जो बेच रहा है उसको बहुत ध्यान से तुम देखना कि वो अच्छे से बेच रहा है कि नहीं। और डिस्क्लेमर तुम्हें ये देना चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम प्लीज गोलगप्पे खाना मत छोड़ना। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बट अपने सराउंडिंग्स को चेक कर लेना कि यार वो अच्छे से बेच रहे कि नहीं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें उल्टी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। पर ये जो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और इस पे आज रिएक्ट करने वाले हैं, तो लेट्स गो। बाथरूम कर लेते गोलगप्पे खा के जी, और लेडीज चक्कर खाते फिर याद इसलिए बंद करी सर, मुझे मुझे शौक नहीं है कि सदाधार कार्ड दिखाने भी दिए जाएंगे 18 से कम उम्र वाले। क्या बोला तूने? 18 से कम वाले आधार कार्ड दिखाने पे ही खिलाओगे? खिलाएंगे नहीं, नहीं तो नहीं खिलाओगे नहीं। ये है क्या, ये तो बता दो। ये बस टेस्ट मसाला है सर। पानी की कंप्रेशन स्टार्ट हो रही है, जो पानी ये पिलाते हैं गोलगप्पे में वो पानी बनने जा रहा है। तो जी अभी क्या डाल रहे हो आप? अभी सर धनिया पुदीना है। धनिया पुदीना जी। ये क्या सीन है, मतलब ये जो चाचा ना बहुत ज्यादा फेमस हुआ था क्योंकि इनका जो गोलगप्पे का नाम है वो 18+ गोलगप्पे हैं। बहुत ज्यादा तुमने देखा कि जो फूड ब्लॉगर जाके इनकी वीडियो बना रहे हैं और ये काफी ज्यादा फेमस हो रहे हैं, बहुत फेम पा रहे हैं। और तुमने देखा कि जो गोलगप्पे बनाते हैं ना, कुछ अपना मिर्ची वाला पानी डालते हैं, प्लस ये बोलते हैं आधार कार्ड इनको चाहिए होता है जो भी इनके गोलगप्पे खाता है। यार मैं गोलगप्पे का बहुत बड़ा दीवाना हूँ, बहुत बड़ा दीवाना हूँ। और मेरे दोस्त मुझे कल ही बोल रहे थे कि चल गोलगप्पे खा के आते हैं, पर आज मैं उनको मना कर दूंगा। अभी थोड़ी देर बाद मैं फोन कर दूंगा कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा गोलगप्पे खाने। अच्छा भाई, ये जो है धनिया पुदीना पानी में डाला जा रहा है और ये ग्वालियर के बहुत ही फेमस गोलगप्पे वाले हैं, नाम है इनका भगत जी गोलगप्पे, लेकिन आपने अपने कार्ड पे सीताराम लिखवा रखा है। पागल है क्या? एक ही बात है। ईशा है भगत जी, कह दिया सीताराम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो भाई यहाँ भाई ये क्या डाल रहे हैं आप? काला नमक, देसी नमक, देसी नमक, देसी नमक। भाई साहब तुमने देखा नमक डाला इतना, मतलब इतना मुट्ठी भर के नमक डाल दिया उसमें और उसके बाद ही उसमें हाथ धो लिए। चाचा जी मुझे तुम्हारे पास लकड़ी साइड में घुमाने वाली है, उसको क्यों नहीं यूज करते हो यार? बेचारा ये जो ब्लॉगर जा रहे हैं, फूड ब्लॉगर, तुम्हें क्यों नहीं बोल रहे कि यार जो तुम कैसे वीडियो बना रहे हो यार, तुम जो जो भी बना रहे हो ब्लॉगर, तुम्हें पता है मुझे तुम्हें पैसे कमाने हैं, तुम्हें व्यूज चाहिए। बट यार ऐसे अपनी जनता को मत बोलो यार, नहीं तो हमें पता है कोरोना वायरस बहुत फैल रहा है और ये देखो कैसे खाएंगे इसको कोविड में इतना ज्यादा। अच्छा तो भाई यहाँ इनके पानी की प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है। और जी सर हैदराबाद से तो हींग आती है। हैदराबादी हींग है ये? जी हैदराबाद ओरिजिनल। अच्छा जी, हाँ ये सही किया, ऐसे घुमाओ ना। ये डाल दिए भाई इन्होंने हैदराबादी हींग। भाई मैं तो यही बोलना चाहूंगा, चाचा जी ने ना मतलब 10 रुपए के प्लास्टिक के ग्लव्स आते हैं, पर चाचा जी ने एप्रन पहना हुआ है जो आराम से मतलब 100 रुपए का खाता। मेरी मम्मी भी पहनते जब वो मतलब काम को करते, मेरी मम्मी ने 150 रुपए का लिया था। तो चाचा 10 रुपए के प्लास्टिक ग्लव्स आते हैं वही ले लो यार तुम। मैं तो बोलता हूँ कि इनको ऑफ कैमरा बोलना चाहिए, हाइजीन लेवल शुड बी ऑन द टॉप, नहीं तो फिर टटियां टूटियां लग पड़ेगी भाई, फेड़ फूड खराब हो जाएगा ऐसे तो हाथ, क्योंकि चाचा जी आओ थोड़ा यहाँ पे खारिश खुरिश नाक नुक में हाथ में कभी को अच्छा जाता पसीना आ रहा है उसी में हाथ। अब क्या देखना पड़ रहा है, ओरिजिनल सर। वो प्राउडली बोला ओरिजिनल, दोस्त नहीं है सर। एक दफा कोई व्यक्ति आया तो वो हमारे ही मार्केट में हो जाएगा सर। अच्छा जी भाई, लोग देखो भीड़, वो देखो हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि कोई को कोई वो देखो वाला मतलब ये होता है कि हमें तकलीफ में डील करना होता है। बिल्कुल सही भाई, तुमने देखा वो भाई, वो अंकल जी हींग कैसे मिला रहे हैं हाथ से, ऐसे पूरा करके कंट्रोल। मैं अभी चिकन खा के आया था, मैं थोड़ा ऊपर से खा रहा मेरे को, फ्लेवर बढ़िया आ जाए। ये है सर रामबाण। ये है रामबाण जी। तो भाई ये है इनके गोलगप्पे का रामबाण, ये है क्या ये तो बता दो। ये बस रामबाण तो ठीक है, मसाला है। ओ भाई ये पेस्ट आपको मैं पास में से दिखा देता हूँ, ये देखिए ऐसे करके, ये है वो पेस्ट, लग बहुत बढ़िया रहा है। चलो मानते हैं फेमस है, आज नहीं बताऊंगा सर, सॉरी सर। हाँ ऐसे डालो। हाँ राज अपने हम पिताजी को नहीं बताएंगे। अरे वाह क्या बात है, और फुल जिम्मेदारी है मेरी, फुल जिम्मेदारी है। हाँ सर फुल जिम्मेदारी है मेरी, ये बात है। तो भाई ये इनका पानी तैयार होने जा रहा है अब, और ये पता नहीं कुछ बढ़िया सी चीज डाल रहे हैं, लेकिन इन्होंने मना कर दिया, राज नहीं बताएंगे।
राज के लिए सर सॉरी चाहता हूँ मैं। तो इसका कुछ कोई बताने का चार्जेस है? सॉरी बॉल की डाल दी मिर्ची। जैसे दिल्ली में एक भेलपुरी वाले अंकल है वो 2.5 लाख रुपए चटनी बताने के लिए। अच्छा तो 2.5 लाख रुपए ये आप भी बता दो अपना कोई चार्ज हो तो स्पेशल पानी खुद बनाते हैं और मतलब ये पानी आप खुद बनाते हो और बाकी फिर स्टाफ का काम है मतलब तो आप... मैं जो मेन काम होता है वो हम करते हैं। हाँ जी बाकी का स्टाफ करता है सर। ये बात तो भाई ये एक ही तरीके का पानी रहता है ये कही। कोई मीठा मांगे तो बेसिकली मैं वो हूँ जो मीठा प्लस जो तुम्हारा क्या बोलते हैं मिर्ची वाला पानी होता है दोनों मिक्स करके मैं प्रेफर करता हूँ कि गोलगप्पे खाते। मेरी मम्मी जो है वो भी ऐसे खाती है। जो मेरी बहन है उनको बिल्कुल तीखा चाहिए पर तीखा मानते मतलब एक लेवल होती है मतलब होता है कि चलो हो गया था लेवल बट इन्होंने पूरी बाल्टी में वो मिर्ची का पेस्ट लेके आए थे प्लस बाकी सब बातें इनकी ठीक है बट प्लीज चाचा जी वो हाथ से मत करिए क्योंकि या आपके आपके यहाँ तक पसीना आया है मैं देख रहा हूँ यहाँ तक गीला है आपका हाथ और आप वही उसमें डिप कर दे रहे हैं। मैं गोलगप्पे का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। मेरे गोलगप्पे ये ना हो कि रातों रात ही मेरे को पसंद ना आए। क्या खाते हैं अब जैसे हम तीखा नहीं खाते तो हम नहीं खा पाएंगे। तीखा मैं भी नहीं खाता हूँ। ये बात है तो भाई ये है इनका स्पेशल पानी। और कितने साल हो गए आपको लगाते हुए? सन 84 से। बातें बहुत मीठी मीठी करते हैं। सन 84 से बेच रहे हो? 84 से जब क्या नंबर वन है तीखे पानी में का पता नहीं है। हाँ जी ग्वालियर के अंदर भाई हाइजीन लेवल क्या बात है। क्या बात बहुत दिनों से जुड़े हुआ हूँ। अच्छा इसके पहले गोले के मंदिर पे लगाते थे। हाँ जी मैंने इनको नहीं छोड़ा इन्हें जगह कहीं छोड़ दिया। प्यार होता चाचा के प्रति सबको। तो तीखा खाने के आप भी शौकीन है? तीखा भी है लेकिन बेस्ट है उसके अंदर टेस्ट बहुत अच्छा है। अच्छा टेस्ट जो ये मसाले वसाले डालते हैं तीखा तो है ही। हाँ जी चाचा की फैन बोले बहुत है भाई चाचा की फैन बोले तो कोई ऐसे हेट नहीं है यार। बस मुझे बस ये बताना कि थोड़ा जो ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी मैंने सोचा कि चलो रिएक्ट करते हैं बट प्लीज जब भी तुम गोलगप्पे खाओगे ढंग से खाना। कोविड बहुत ज्यादा फैल रहा है और इन चीजों से तो बहुत बड़ा फैलता है क्योंकि पसीना क्योंकि ये नेचुरल है हम ह्यूमंस है कहीं भी खारिश हो जाती है कभी भी किसी के स्पोर्ट में भी चाहे हम तुम मॉल में जा रहे होंगे कहीं भी प्राइवेट जगह वगैरह में खारिश हो तुम समझ सकते हो जाती है तो थोड़ा हाइजीन लेवल तो होता है क्योंकि हाथ वगैरह तुम्हें पता है हाथ में पुनः घोल ही मैं नहीं कह सकता ठीक है। तो चलो इतनी चाहिए आज की वीडियो। पसंद आई तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को शेयर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाय।